हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैराडाइम शिफ्ट, एक ऐसा चैनल जो चकमा हजोंग इशू के बारे में जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो मिस गिविंग्स है, उनको दूर करता है बेस्ड ऑन रिसर्च, फैक्ट्स एंड ट्रूथ। आज की इस एपिसोड में आई विल डिस्कस अबाउट द जेनेसिस ऑफ सेटलमेंट इन अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि चकमा हाजोंग लोगों की सेटलमेंट की कहानी। चकमा हाजोंग लोगों को अरुणाचल में सेटलमेंट देने के पीछे की वजह और जो कारण है आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ही एक सबसे बड़ा रीजन था, सबसे बड़ा कारण था जिसके वजह से यहाँ में अरुणाचल में यानी नेफा में बाहर से लोगों को ला के सेटलमेंट देने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हुई थी। आपको शायद पता होगा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिश सरकार ने अपना बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बीएफआर एक्ट यानी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 बना दिया था, ताकि लोग बिना इजाजत के अरुणाचल में घुस ना सके, बिना इजाजत के आ ना सके। ब्रिटिश सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो थी मेनली वाज ऑफ नो इंटरफेरेंस विद द लाइव्स ऑफ ट्राइबल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मतलब सिर्फ बाहर से देखते रहना है कि वहां ट्राइबल लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना है, मतलब एक म्यूजियम की तरह रखा था अरुणाचल को, सिर्फ बाहर से देखना है। ये थी ब्रिटिश इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। फिर जब आज़ादी मिली उसके बाद से भारत सरकार ने अरुणाचल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उसमें थोड़ा सा बदलाव किया। ब्रिटिश सरकार में पॉलिसी थी नो इंटरफेरेंस की। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने नो इंटरफेरेंस की पॉलिसी को बदलकर मिनिमम इंटरफेरेंस की नई पॉलिसी अपनाया, मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरफेयर करने की पॉलिसी भारत सरकार लेके आई आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वो भी मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक रीजंस। फिर व्हाट हैपेंड वाज द 1962 चाइनीज एग्रेशन, इसमें भारत को हम कह सकते हैं कि मुंह की खानी पड़ी या हार का सामना करना पड़ा, जिसका एक मेन फैक्टर कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी भारत सरकार की मिनिमम इंटरफेरेंस वाली पॉलिसी, हार के लिए उस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को एक मेन फैक्टर कहा गया, क्योंकि मिनिमम इंटरफेरेंस की पॉलिसी के वजह से या बीएफआर एक्ट के वजह से अरुणाचल के लोगों का भारत के साथ या द आइडिया ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेशन या एसिमिलेशन की कमी देखा गया, जो भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था। तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी ऑफ मिनिमम इंटरफेरेंस इन नेफा, इंडिया 1962 का युद्ध हार गया, और 1962 का युद्ध हारना वाज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द गवर्नमेंट टू स्टार्ट और अलाउ सेटलमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इनटू नेफा और अरुणाचल प्रदेश। कहने का मतलब है कि 1962 के युद्ध में जो इंडिया की हार हुई उससे भारत सरकार मजबूरन अपनी मिनिमम इंटरफेरेंस की पॉलिसी में बदलाव किया और अरुणाचल के बाहर से लोगों को अरुणाचल में सेटलमेंट करने की प्रक्रिया शुरू किया। भारत देश की सुरक्षा और अखंडता को बचाए रखने के लिए बाहर से लोगों का सेटलमेंट नेफा में या अरुणाचल में अलाउ किया गया, शुरू किया गया, और फिर यहाँ अरुणाचल में चकमा हाजोंग लोगों को लाया गया, रिहैबिलिटेशन दिया गया, सेटलमेंट दिया गया इन 1964, डिस्पाइट द फैक्ट कि देयर वाज बीएफआर एक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। सो दिस इज द जेनेसिस ऑफ बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ चकमास एंड हाजोंग्स इन अरुणाचल प्रदेश।
इसी पॉलिसी के तहत जो है अरुणाचल में बाहर से आए हुए लोगों को रिहैबिलिटेशन या सेटलमेंट देने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू की गई। टू सम अप द होल थिंग, चकमा और हाजोंग लोगों का सेटलमेंट एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन के तहत अरुणाचल में किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके आगे की जो डिस्कशन है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। सो टिल देन, इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पैराडाइम शिफ्ट।